तो ना फाइनली गाइस अभी हम मैगी खा रहे थे तो मेरे को कुछ लोग यहाँ पर दिखे, तो मैंने पूछा आप लोग कहाँ से हो, तो वो बोले कि हम सिंगापुर से। तो मैंने पूछा सिंगापुर से आप मैगी खाने यहाँ पर क्यों आ गए, तो गाइस तो गुड मॉर्निंग, और मैं सचिन स्वागत करता हूँ इसी के साथ फिर से एक नए वीडियो में। और आज सेकंड डे है मेरा नैनीताल के अंदर, और हम निकल चुके हैं सुबह सुबह घूमने के लिए कहीं। और इस टाइम मैं आया हुआ हूँ मतलब काफ़ी ज़्यादा हाइट पे, और यहाँ से जो मैंने कल आपको लास्ट व्लॉग में एक नैनी लेक दिखाई थी, तो आज उसी का टॉप व्यू दिखाने वाला हूँ सबसे पहले। और हमने आज एक पैकेज लिया है घूमने के लिए, तो ये व्लॉग काफ़ी लंबा जाने वाला है। तो चलिए ठीक है, आपको मैं दिखाता हूँ यहाँ से जो नैनी लेक है, अभी आपने नीचे से देखी थी, आपको मैं दिखाता हूँ थोड़ा ऊपर से। वो उसकी शेप आएगी मैंगो टाइप की। थक गया हूँ यार, ऊपर ऑक्सीजन कम है, थकान हो जाती है। तो अभी देखिए यहाँ पर जो मेरे पीछे नैनी लेक होगी ये यहाँ पर, तो इसका ना थोड़ा सा अच्छा व्यू और आता है यहाँ से, क्योंकि बीच में कुछ ट्री वगैरह आ रहे हैं। हट जा, तो ये आपको ऊपर दिख रहा होगा, ये क्या नाम है मैंगो टाइप का एक शेप आ रहा है, या फिर मैं तो इसे ब्रिंजल बोल रहा था, बैंगन बोल रहा था। तो काफ़ी बढ़िया व्यू है यार यहाँ से, और अभी शायद मैं और भी हाइट पे जाऊँगा तो वहाँ से दिखाऊँगा। तो एक बार मैं आपको बैक कैमरे से दिखाता हूँ प्रॉपरली, जैसा कि अभी यहाँ से मेरे को दिख रहा है। तो देखिए आप, तो गाइज आप लोगों ने अभी ऊपर देखा ये नैनी लेक, जो हाइट से काफ़ी मैंने दिखाया आपको, एकदम मैंगो शेप में आ रहा है एकदम। और वैसे इतना अच्छा विजुअली नहीं हो पा रहा, क्योंकि यहाँ पर ये जो ज़्यादा पेड़ वगैरह है ना, तो इसलिए थोड़ा सा ना प्रॉब्लम सी हो रही है। बट फिर भी जो आंखों से दिखता है वो कैमरे से नहीं दिखता, तो चलिए कोई बात नहीं, आपने ये भी देख लिया। और जैसे जैसे हम हाइट पर जाते जा रहे हैं ना यार, वैसे वैसे यहाँ पर ठंड बढ़ती जा रही है, और हाथ वगैरह सुन्न होते जा रहे हैं, क्योंकि हाइट पर जितना जाओगे उतना ठंड बढ़ती जाएगी। और मैं यहाँ से नीचे देख रहा हूँ ना, मेरे पीछे ऐसे घर वगैरह इतने आराम से अच्छे से दिख रहे हैं यहाँ पर, काफ़ी ऐसा लग रहा है कि मैं मिनिएचर देख रहा हूँ छोटे छोटे, और सेट बना रखा है मूवी वगैरह का। तो इट्स ओके, तो चलिए ठीक है। अभी हमारे पास ये मेरे पास एक ब्राउज़र है, किधर गया, तो मेरे पास ये ब्राउज़र है, तो जो हमारा सबसे फर्स्ट ये पैम्पलेट है, जो तो सबसे फर्स्ट है जो मतलब इसमें प्लान है नैनीताल दर्शन, तो मैं उसे करने जा रहा हूँ। तो चलिए ठीक है, अभी फर्स्ट हमारा हो गया है, अभी सेकंड के तरफ चलते हैं और देखते हैं अभी क्या क्या मिलता है हमें आगे, और क्या क्या कुछ इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि अभी बहुत सारे प्लेसेस हैं, 12-14 प्लेसेस हैं। तो अभी तो ये फर्स्ट है, सेकेंड था ये, ठीक फर्स्ट वाले पर हम दोबारा जाएंगे अभी। तो चलिए आफ्टर नैनी लेक ऊपर से देखने के बाद निकलते हैं आगे को, कहाँ पर, हिमालय दर्शन। हिमालय दर्शन, तो भाई हमें ले जा रहे हैं हिमालय दर्शन के लिए, तो चलिए अब हिमालय दर्शन करते हैं। और आई होप कि आप वहाँ पर मज़ा आने वाला है हमें भी। तो बस कितने टाइम में पहुँचेंगे हम, 3 मिनट भी नहीं, बस 3 या 4 मिनट, मतलब सब पास पास में ही है। तो और यहाँ पर देखिए भाई साहब, हाइट पर जब गाड़ी चलती है ना, तो कान सुन हो जाते हैं, एकदम फ्लाइट वाली फीलिंग आती है। तो चलिए कोई बात नहीं, हिमालय दर्शन चलते हैं और वहाँ पर देखते हैं क्या है अभी। तो नाउ फाइनली गाइस अभी हिमालय दर्शन पॉइंट पे आ गए हम, और पीछे थोड़ा फॉग वगैरह है ना, और इसीलिए थोड़ा सा कम विजिबली हो रहा है। आपको मैं दिखाता हूँ पहले पीछे, ये पूरा ये जो पीछे ब्लैक के नीचे ये जो पूरा ये जा रहा है, वो पूरा हिमालय है ना, तो वो अभी दिख नहीं रहा है यहाँ से सही से। तो मैं एक बार कोशिश करता हूँ कि आपको थोड़ा और सही से दिखाऊँ। और यहाँ से घाटी वगैरह जो नीचे दिख रही है ना, यहाँ पर इतने छोटे घर है, सच्ची बता रहा हूँ, मैं बहुत टाइम बाद देख रहा हूँ, तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा।
तो बाबा ये है हिमालय दर्शन पीछे, और इतना कुछ खास लगा नहीं मेरे को क्योंकि अभी यहाँ पर फॉग वगैरह हो रहा है। और ऐसा तो मैं उत्तराखंड और नैनी और क्या नाम है उसमें ये ऋषिकेश वगैरह साइड भी देख सकता था जो हम अपनी नेकेड आई से देखते हैं। और यार घर वाले नीचे मिलेंगे तो फाइनली जब भी जो हम नेकेड आई से देखते हैं वो डेप्थ वगैरह हमें फील होती है, वो हमें ब्लॉग के अंदर नहीं होगी और ये जो वीडियो हम कैमरे से शूट करते हैं उससे नहीं होगा। पर कोई बात नहीं, हमने देख लिया, तसल्ली हो गई, नहीं तो हम नहीं आते तो यहाँ पर सोचते यार कैसा व्यू होगा कैसा नहीं होगा। और ठीक है, इसी के साथ फिर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं भी आगे आगे अभी मिलेगा क्या हमें, और जो भी हमारे पंपलेट्स वगैरह में हैं वो हमारे काम का है या नहीं है, क्योंकि बहुत सी जगह टिकट्स वगैरह हैं और लाइट्स वगैरह प्रॉपर नहीं मिलती। तो गाइस जो मैं आपको यहाँ दिखाना चाहता था और जो मैं ट्राई कर रहा था दिखाने की वो ये है, सामने जो हिमालयन जो पहाड़ दिख रहे हैं ना यही सब यहाँ पर व्यू है। और बहुत ही मुश्किल से मैंने वेट किया यहाँ पर जब जाके देखने को मिला, तो फाइनली आप आई होप कि आपने ये देखा होगा। तो चलिए ठीक है, यहाँ से निकलते हैं हम नेक्स्ट जर्नी की तरफ। तो मैं ये कह रहा हूँ कि बहुत हो गया थोड़ा बहुत घूमना फिरना, अभी टाइम आ गया है हमारा थोड़ा बहुत नाश्ता पानी करने का। और पहाड़ों पे मैगी खाने की बात ही अलग है, लास्ट टाइम मैं जब मनाली गया था वहाँ पर भी एकदम ठंडियों में मैगी खाई थी एकदम ज़बरदस्त, और ऑमलेट्स वगैरह तो भाई पूछो मत कितने खाए थे हमने। तो यहाँ पर मैगी है, ये देखो इसने कमीने ने पहले ले ली, तो अभी क्या है अपने हाथ में ये मैगी आ गई है। ठीक है, अब मैगी खाएंगे पहले और चाय पियेंगे, उसके बाद फिर यहाँ से निकलेंगे खाना वाना खा के, मतलब ये चाय और मैगी खा के। और एक सच बताऊँ मतलब यहाँ पर इतनी हाइट पे मैगी खाना खड़े होके बहुत ही अलग एहसास देता है कि मतलब ठंड में गर्म का मज़ा क्या बताऊँ। तो चलिए ठीक है, अभी खाते हैं मैगी उसके बाद फिर यहाँ से निकलते हैं। और एकदम मैं कॉर्नर पर खड़ा हुआ हूँ, यहाँ से बंदा जो खिसका ना वो खिसक के जाएगा हमेशा के लिए ऊपर, यहाँ से नीचे नहीं जाएगा, पहले वो नीचे जाएगा फिर सबसे ऊपर जाएगा। तो इसी के साथ पहले खाते हैं मैगी उसके बाद फिर यहाँ से आगे निकलेंगे और देखेंगे अभी बहुत सारे पॉइंट्स वगैरह हैं देखने के लिए। चलिए ठीक है, खाते हैं मैगी। मैगी तो बहुत अच्छी है भाई, पर बहुत गर्म है, मैं तो सोचता था ठंडी हो जाएगी, पर कोई बात नहीं, गर्म का ही मज़ा है मैगी का, ठंडी होने के बाद इससे पक जाती है, तो इससे पहले खा लो गर्म गर्म। तो ना अभी मैं और मेरी चाय मेरे साथ हैं, और इतनी हाइट पे चाय पीना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि अभी देखो पीछे ना हिमालय धीरे धीरे विजिबल होने लगा है, आप देख रहे होगे पीछे। तो मैं सोच रहा हूँ कि पहले चाय फिनिश कर लूँ और उसके बाद फिर कोशिश करता हूँ एक बार कि आपको एक बार मैं दिखा सकूँ। तो अभी चाय तो खैर वैसे बहुत टेस्टी है, क्योंकि हम क्या चाहते हैं कि चाय में यार थोड़ा सा चीनी अच्छा हो और उसके अंदर चाय की पत्ती ज़्यादा हो तो कड़क हो, है ना। तो चाय मैंने सोचा कि चलो ठीक है अभी पी लेते हैं मेरी के साथ, फिर उसके बाद पूरा दिन चलना है। पर आप जैसे पीछे देख रहे हो ना कि मतलब ये पीछे क्या बोलते हैं इसे, मतलब स्टॉल्स वगैरह लगी हैं यहाँ पर मैगी वगैरह, मैगी हर जगह मिलती है जैसे मैंने अभी आपको बताया। तो ना फाइनली गाइस अभी हम मैगी खा रहे थे, तो मेरे को कुछ लोग यहाँ पर दिखे, तो मैंने पूछा आप लोग कहाँ से हो, तो वो बोले कि हम सिंगापुर से। तो मैंने पूछा सिंगापुर से आप मैगी खाने यहाँ पर क्यों आ गए, तो मेरे बगल में है आपका नाम, हेलो श्वेता वर्मा। हाँ, तो आपको मैगी इतनी पसंद है कि आप सिंगापुर से यहाँ पर आ गए। हम जिम कॉर्बेट आए थे शादी में, और सोचे कि नैनीताल घूमते हुए जाए, और यहाँ हर जगह पॉइंट पे मैगी मिल रही है, तो हमें भूख ना रहते हुए सोचे कि मैगी ट्राई कर लिया जाए, क्या ऐसे क्या खासियत है जहाँ सब लोग मैगी खाते हैं। मोस्टली हिल स्टेशन पे, हिल स्टेशन में भी सर्दियों में ये गर्म गर्म मैगी बहुत ही अच्छा लग रहा है। हाँ, तो ये टेस्टी है कि नहीं, बहुत टेस्टी। तो मैम ने जैसा बताया कि यार मैगी बहुत ज़्यादा टेस्टी है, तो हमने भी खाया, वो एक्चुअली में टेस्टी था। तो अभी क्या है कि नाश्ता वगैरह करने के बाद भी इसे खा लो तो पता नहीं चलता कि हमने कुछ खा रखा है। तो अभी खावा लिया, अभी हमारा टाइम हो गया यहाँ से निकलने का। तो थैंक यू सो मच मैम, एक बार आपने बताया इसके पीछे का रीज़न, तो हमें बहुत अच्छा लगा ये जगह, ब्यूटीफुल प्लेस। ओके, तो है ही ब्यूटीफुल, बट ये है कि थोड़ा सा सामने जिसके लिए आए थे वो दिख नहीं रहा है। वेदर अच्छा हो जाए तो थोड़ी देर में दिखेगा। हाँ बिल्कुल, फॉग है यहाँ पर अभी तो।